आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक वैल्यू एंड एजुकेशन, ओलंपिक मूल्य और शिक्षा, ओलंपिक पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक, ओलंपिक पैरालंपिक एंड विशेष ओलंपिक, ओलंपिक सिंबल्स आइडियल्स ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, ओलंपिक प्रतीक विचार उद्देश्य और ओलंपिक के मूल्य, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, ओलंपिक्स द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स और ओलंपिक्स से लेकर टू ईयर्स अपार्ट, आधुनिक खेल या ओलंपिक ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं की विशेषता वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जिसमें दुनिया भर के हजारों एथलीट भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे अग्रणी खेल प्रतियोगिता माना गया है। जो हमारा स्पोर्ट्स की दुनिया में जो ओलंपिक उत्सव या खेल होते हैं, यह दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स में माना गया है जिसमें 200 से अधिक राष्ट्र भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है जिसमें ग्रीष्मकालीन शीतकालीन खेलों के रूप में बारी बारी से 2 वर्ष के अंतर से आयोजित जाता है। देयर क्रिएशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द एशेंट ओलंपिक गेम्स, उनकी रचना प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित थी जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा तक ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित किए गए। बेरन पेरेडे कुबर्टिन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की जिसने 1896 में एथेंस में पहले आधुनिक खेल का नेतृत्व किया। IOC ओलंपिक मूवमेंट की संचालक है जिसमें ओलंपिक चार्टर अपनी संरचना और अधिकार को परिभाषित करता है। 20वीं और 21वीं शताब्दी के दौरान ओलंपिक मूवमेंट के विकास के परिणाम स्वरूप ओलंपिक खेलों में कई बदलाव हुए। इनमें से कुछ समायोजनों में बर्फ के खेलों के लिए शीतकालीन ओलंपिक खेलों का निर्माण शामिल है। विकलांग एथलीटों के लिए पैरालंपिक खेल, 14 से 18 वर्ष की आयु एथलीटों के लिए युवा ओलंपिक खेल, 5 महाद्वीपीय खेल, पैन अमेरिकन, अफ्रीकी, एशियन, यूरोपियन और प्रशांत और विश्व खेल को ओलंपिक खेलों में नहीं खेली जाती। डिफ्ले ओलंपिक्स और विशेष ओलंपिक भी IOC द्वारा समर्थित। IOC को कई प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी प्रगति के अनुकूल होना पड़ता है। पूर्व ब्लॉक के देशों सोके नियमों के दुरुपयोग ने IOC का पेशेवर एथलीटों की भागीदारी की अनुमति देने के लिए कैब्रुटन द्वारा कल्पना के रूप में शुद्ध सोकियापन से दूर जाने के लिए प्रेरित किया है। पैरालंपिक्स, पैरालंपिक विकलांग एथलीटों को शामिल करने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें एथलीट शामिल होते हैं जो विकलांग में जैसे कि अंग कमी, टांगों की कमी, लंबाई में अंतर, छोटा कद, हाइपरटोनिया, गति भंग, एटेटोसिस, दृष्टिहानि, बौद्धिक हानि क्या शिकार हो। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हैं जो 1988 में सियोल दक्षिण कोरिया में ग्रीष्मकालीन खेलों में संबंधित ओलंपिक खेलों के लगभग तुरंत बाद आयोजित किए जाते हैं। सभी पैरालंपिक खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC द्वारा किया जाता है।
पैरालंपिक 1948 में ब्रिटिश विश्व युद्ध के दिग्गजों की एक छोटी सभा से बढ़कर 21वीं सदी के शुरुआत में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में से एक बन गया है। पैरालंपिक्स 1960 के 23 देशों के विकलांग वाले 400 एथलीटों बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में से एक बन गया है। पैरालंपिक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और लंदन में 100 से अधिक देशों के हजारों प्रतियोगियों से पैरालंपियन गैर विकलांग ओलंपिक एथलीट एक साथ समान व्यवहार के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीटों के बीच एक बड़ा धन अंतर है। द पैरालंपिक गेम्स पैरालंपिक गेम का आयोजन ओलंपिक के समांतर किया जाता है, जबकि IOC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व ओलंपिक विश्व खेलों में भौतिक अक्षमता वाले एथलीट शामिल होते हैं और डिफिसिलिटस के बधिर एथलीट शामिल होते हैं।